ख्वाब तोड़ दिया तुमने। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ख्वाब ही देख रहे हो। देखो अब मैं क्या करती हूँ। नहीं करो, क्या है ये सब? ये ख्वाब नहीं है मुराद। पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, और तुम हो मेरे पागल होने की वजह, समझे तुम? तुम करना क्या चाह रही हो? अच्छा खासा सो रहा था मैं, आखिर तुम अंदर कैसे आ गई? दरवाजे से दादी जान ने खोला है, और तुम सो कैसे सकते हो? सो कैसे सकते हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की और तुमने जवाब नहीं दिया मुझे, हाँ पागल समझा है? बताओ मैं तुम्हें क्या? हयात मैं इंसान हूँ, दर्द होता है मुझे। दर्द होता है तुम्हें? बहुत दर्द होता है, नाजुक हो तुम, हाँ मुझसे भी ज्यादा नाजुक हो। हाँ सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है। होने दो, अच्छी बात है, जब मैं तुम्हें मारती हूँ सुकून मिलता है मुझे, कलेजा ठंडा हो जाता है मेरा। अभी बताती हूँ तुम्हें। बस करो, जान ले लूं तुम्हें, जान से मार दूं तुम्हें, लगा आया मजा, और मारूंगी। तकिया रूई का लेकिन इस वक्त पत्थर की तरह लग रहा है। या अभी बताता, नहीं मानोगी ना। देखो क्या कर दिया तुमने, कहीं से एक कमरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी रुई वाले की दुकान में बैठा हूं मैं। जो किया तुम्हें वो भुगतना पड़ेगा। चलो बस, और नहीं, देखो तो जरा ये किस किस्म का तकिया है। अरे पागल हो गई क्या, नाक में घुसने पर पूरा तकिया फाड़ दिया तुमने। मेरा जो दिल चाहेगा करूंगी मैं। क्या हुआ मुराद, ठीक हो ना? जी मैं तो ठीक हूँ दादी जान, लेकिन एक चूहिया ने पूरा तकिया कुतर दिया। तुम मुझे समझते क्या हो, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, तुम्हें अभी पता नहीं है मेरा। हाँ हयात भी ठीक है और दूसरा तकिया ढूंढ रही है। हद होती है, तुम मजाक कर रहे हो। हाँ खत्म करो और मुझे सोने दो, देखो अब मैं कैसे सोता हूँ। ठीक है। शादी के फूल हैं ये। अब जल्दी से मेरा बेड साफ कर दो प्लीज। किस लिए मुंह बना लिया तुमने, ये भी कोई रूठने का वक्त है? टाइम देखो जरा। तुम्हारे लिए परेशान हो गया गलती की, सुकून से अपने घर पर रहती अच्छी लड़कियों की तरह, यहाँ के बेवकूफी की वो भी इस वक्त इतनी बारिश में। लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुराद, चाहे कोई जिए या मरे। ऐसी बात नहीं है, तुम तो जिंदगी हो, चाहत हो मेरी, मेरे लिए परेशान हुई और इतनी दूर से मेरे लिए आई, ये मोहब्बत तो है। तुम्हें मोहब्बत लगा है सब, लेकिन मेरी नजर में एक दूसरे की फिक्र करना इंसानियत होती है। हाँ तो मेरी बीवी मेरे लिए परेशान नहीं होगी क्या? हाँ बोलो। असल में अगर टैक्सी का इंतजार ना करती तो इतना नहीं भीगती मैं। और तुम्हें तो पता ही है, टैक्सी का इंतजार करो तो करके सब गायब हो जाती है। लेकिन तुम कैसे जानोगे भला? सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें इस सब से क्या, तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, अपना ड्राइवर है, कभी टैक्सी का इंतजार थोड़ी ना किया होगा भला। बहरहाल जा रही हूँ मैं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, जाओ जाकर सो जाओ। ठीक है अगर तुम जा ही रही हो
तो मैं फिर सुकून से सो जाता हूँ। क्या शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते हुए? अरे एक तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई और अब तुम मुझे छोड़ने भी नहीं जा सकते। कोई अपने मेहमानों के साथ ऐसा करता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल पागल हो। अरे मैंने तो नहीं कहा तुम्हें जाने के लिए। ये इतना बड़ा बेड किस लिए? लेटो इस पे और सो जाओ ख्वाबों में। अब ये क्या हरकत है? तुम क्या समझते हो, इस तरह दरवाजा बंद कर दोगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी? मैंने नहीं किया। मुराद एक्टिंग मत करो, दरवाजा लॉक कर दिया है, चाबी दो। अरे मैंने कब किया है? देखो मुराद, मैं भीगी हुई हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम सिर्फ दरवाजा खोल दो। मैं दरवाजे के करीब ही नहीं गया तो मैंने बंद कब कर दिया इसे? खोलने की कोशिश करो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, ये काम तुम ही करो। ज्यादा जोर लगाओगी तो टूट जाएगा ये। मुंह क्या देख रहे हो, दरवाजा खोलो प्लीज। एक मिनट का सबर नहीं होता तुमसे। दादी जान ने। वो कैसे? हमें यहां दादी क्यों बंद करेंगी? या मेरे मालिक, इन बच्चों की मदद कर, जल्दी से इन दोनों के दरमियान सुलह करा दे ताकि एक दूसरे से दूर ना रहें। अजनी मैडम, दादी ये दरवाजा खोल दे यहाँ आके। दादी, दादी दरवाजा खोल दे। देखिए दरवाजा खोल दे, मुझे घर लाजमी जाना है, वो लोग परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए, दादा जान मार डालेंगे। एक बात कहूं, तुमसे बुरा तो नहीं मानोगी ना? क्या कहना चाहते हो? वो क्यों मारेंगे तुम्हें? तुम उन्हें फोन करो, कहो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूं, बात खत्म हो गई। ज्यादा शोर मत मचाओ, घर वाले सो रहे हैं। हाँ तो उठ जाने दो घर वालों को, हम यहाँ फंसे और वो सुकून से सो रहे हैं। बहुत अच्छी सूरत हाल है, हम दोनों अकेले कमरे में बंद हैं और हम दोनों मियां बीवी हैं, शायद ये बात तुम भूल गई हो। करीब आने का सोचना भी मत, मैं पुरानी वाली हयात नहीं रही। क्या कहा, पुरानी वाली हयात नहीं हो? अरे कहां जा रही हो? हयात क्या बेवकूफी है, क्या अंदर सोने का इरादा तुम्हारा? हाँ अगर आप अंदर ही सोना चाहती हो और आपको अच्छा लगता है तो कहें तो मैं आपको तकिया और चादर दे दूं। बिल्कुल सही किया तुमने, ये इसी काबिल है। मोहतात रहना तुम अहमक हो लड़की, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिर किस पागल ने तुमसे कहा था कि इस वक्त यहां आ जाओ? इसे वो करने दो जो ये करना चाहता है। तुम्हें इससे क्या, क्यों फिक्र हो रही है तुम्हें इसकी? क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, सुना तुमने? सुन लिया। और तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? मैं तुमसे नहीं, अपने आप से बातें कर रही हूँ। खुद पर काबू नहीं रख सका क्योंकि तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है। देखो मुराद, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तंग मत करो मुझे। मेरी कॉल नहीं उठाई, मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ बुला लिया इसने, और मैं भी पागलों की तरह भागती हुई इतनी बारिश में मुंह उठाकर बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह यहाँ पर आ गई। कभी दिमाग भी चला लिया करो। अगर कोई मदद चाहिए तो बोल दो। जी नहीं, शुक्रिया। कितनी बेवकूफ हूं मैं।